ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ विखे तीन रोजा अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की हुई आरंभता, पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित ने किया उद्घाटन। पाकिस्तान के साबका प्रधानमंत्री इमरान खान से जानलेवा हमले तो बाद पाकिस्तान च भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने नैशनल हाईवे किया जाम, वजीराबाद रैली च इमरान खान से हुई फायरिंग। श्रोमणी भगत नामदेव जी का प्रकाश पुरब मनाने के लिए 250 श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचे अमृतसर। एसजीपीसी के सत्कार कमेटी वालों किया गया भरवां स्वागत। हुण खबरां विस्थार दे नाल। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने मिजोरम दौरे ते मिजोरम यूनिवर्सिटी विखे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नॉर्थ ईस्टर्न कैंपस का वर्चुअल माध्यम राही उद्घाटन किया। आईआईएमसी सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक खुद मुख्तियार संस्था के उत्तर पूर्वी कैंपस ने मिजोरम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान की एक अस्थाई इमारत 2011 च काम करना शुरू किया। इस कंपलैक्स की उसारी का काम 2015 शुरू होया, 2019 पूरा होया। इसकी कुल लागत 25 करोड़ रुपए है। आईएएमसी के स्थाई कैंपस में मिजोरम यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई 8 एकड़ जमीन से होस्टल से स्टाफ क्वार्टर के नाल वखरिया प्रशासनिक अकादमिक इमारत शामिल ने। पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित ने सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी क्रिमिनल जस्टिस एंड विक्टिमोलॉजी राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पंजाब के सहयोग नाल आयोजित तीन रोजा अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस सिक्योरिंग जस्टिस टू विक्टिम्स ऑफ क्राइम की प्रधानगी की। इंडियन सोसायटी ऑफ विक्टिमोलॉजी और वर्ल्ड सोसायटी ऑफ विक्टिमोलॉजी अपराध के पीड़ितों को न्याय की सुरक्षा और इंडियन सोसायटी ऑफ विक्टिमोलॉजी की 8वीं अंतरराष्ट्रीय 12वीं 2 साला कॉन्फ्रेंस उद्घाटनी सैशन के नाल शुरू हुई। पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित ने भारतीय न्याय प्रणाली से चर्चा की, उदार लोकतंत्र दोषी राज विचकार संबंधा बारे विस्थार नाल दसिया। श्री पुरोहित ने कहा कि पीड़ित विज्ञान हमदर्दी की भाषा। श्री पुरोहित ने जगजीत सिंह बनाम आशीष मिश्रा के केस का हवाला देंदे हुए मानयोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हवाला किया। उन्होंने वकीलों को अपील की कि वह गरीबों और पछड़े लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने लिए समा राखवा रखन। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुखी ते साबका प्रधानमंत्री इमरान खान ते हुए जानलेवा हमले तो बाद देश च हिंसा पड़ गई है। पाकिस्तान के सियालकोट विच हुए हमले तो भड़के इमरान खान के समर्थकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिता। अनपछाते हमलावर ने वजीराबाद के अल्लाहू चौंक नेड़े इमरान खान के बख्तरबंद कंटेनर से गोलियां चलाईया। हालांकि इमरान खान इस हमले में वाल वाल बच गए। पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्टों मुताबिक वजीराबाद के जफर अली खान चौंक नेड़े साबका प्रधानमंत्री ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के कंटेनर नेड़े गोलीबारी हुई। हमले तो बाद इमरान खान को तुरंत हस्पताल ले जाया गया जिथे वो खतरे तो बाहर ने। हालांकि इमरान खान से जानलेवा हमला करने वाले शख्स को मौके पर ही भीड़ ने मार मुकाया। घट गिनती कमिशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने मीडिया नाल गलबात करदे कहा कि सानू नफरत की राजनीति छड्ड देश नू जोड़न की राजनीति करनी चाहिए। गुरुद्वारा ते सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब का राज है, उन्हां तो वड्डी कोई होर शक्ति नहीं है। इस दे नाल ही उन्हां जगीर कौर के मामले ते बोलदिआं कहा कि चोणां लड़न का फैसला उन्हां दा अपना निजी फैसला है। इस तरह है ना तो मैं एसजीपीसी दा मैंबर है, ना ही मेरा कोई रिश्तेदार एसजीपीसी का मैंबर है। मैं अमृतधारी सिंह है, वह भी पिछले 63 साल तो अज भी मेरे घर के वेख लो उत्थे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है। शायद इत्थे बहुत सारे सिख रह के गए जिन्हां दे घरां दे विच बड़े बड़े उच्चे अहुदियां ते भी रहे, शायद उन्होंने भी महाराज के सत्कार लई ना तो घर प्रकाश किया ते ना ही प्रकाश जे कीता भी होएगा तो निशान साहब नहीं लाया। मैं जिथे सर्विस भी रहा है
सरकारी बंगले जिथे मेरे को रहे है उन्होंने झूलते निशान रहे पंथ महाराज के। मैं हमेशा ही निशान साहब गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करता रहा। एस डी पी सी बहुत सारिया कुरबानियाँ दे के जी है ये एस्टैबलिश हुई है। 1920 तो 1925 तक बहुत लोगों ने गिरफ्तारियां दीतियाँ, शहीदियां दीतियाँ, जानी ते माली नुकसान चलिया है। तो ऐसी संस्था मजबूत होवे उहदे लई तां असीं सब कुछ करन नूं तैयार हैं। लेकिन इन्हां दी अंदर दी राजनीति की है। बीबी जगीर कौर अज भी श्रोमणी अकाली दल च है ते मैं समझना भी क्योंकि श्रोमणी अकाली दल एक राजनीतिक पार्टी है ते भारतीय संविधान दे विच ये हुण इस वेले नवा जिहड़ा साडा इलैक्शन कमीशन दा आया है कि कोई भी धार्मिक पार्टी राजनीतिक इलैक्शन नहीं लड़ सकती। सो जिहड़े बंदे मैं नहीं समझदा वी वाई शुड वी इंटरफीयर इन दी पॉलिटिक्स ऑफ गुरद्वारास। असी तां कोई मेरा किसी भी किस्म दा इहदे नाल कोई संबंध नहीं। जाति तौर पर मैं जुलाई के एंड तो बैठते हैं, तुसी हुण भी देखे होना मैं चल फिर नहीं सकता, मेरे पैर के उत्ते पट्टी की हुई है बिकॉज आई हैव अंडरगॉन हार्ट बाईपास सर्जरी। तो असी साडा इहदे नाल कोई किसी किस्म का भी संबंध नहीं है। ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है। नानक साई फाउंडेशन श्री हजूर साहब नंदेड़ दे चेयरमैन पंद्रीनाथ बोकारे दी देखरेख विच नानक साई फाउंडेशन श्री हजूर साहब नंदेड़ वालों श्रोमणी भगत नामदेव जी दे प्रकाश पुरब मौके भगत नामदेव घुमान यात्रा श्री हजूर साहब नंदेड़ श्री अमृतसर साहब विखे पुजी, जिस च 250 मराठी श्रद्धालु शामिल होए। चेयरमैन पंद्रीनाथ बोकारे ने दसिया कि 4 नवंबर नूं ही यात्रा श्री नामदेव नगरी घुमान, 5 नवंबर नूं ही यात्रा श्री हरिमंदर साहब, 6 नवंबर नूं श्री गोइंदवाल साहब, 7 ते 8 नवंबर श्री आनंदपुर साहब माता नैना देवी माता ज्वाला जी नंगल डैम भाखड़ा विखे जाएगी। 9 नवंबर यात्रा श्री फतेहगढ़ साहब विखे पुजेगी। अमृतसर पुजन से यात्रा का सत्कार कमेटी के भाई बलवीर सिंह मुछल ने निघा स्वागत किया। नानक साहिब फाउंडेशन की भगत नामदेव गुमान यात्रा आज अमृतसर साहब पहुंची है। यहाँ अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पंजाब की संगत ने हमारा बड़ा वेलकम किया, एसजीपीसी ने किया और हम बहुत धन्यवादी हैं। बाबा नामदेव जी की यात्रा हर साल पंजाब आती है, ये 8वीं यात्रा है। 2 नवंबर से निकली हुई यात्रा आज 3 नवंबर को अमृतसर पहुंची। 12 तारीख तक हम पंजाब के ऐतिहासिक स्थलों का, धार्मिक स्थलों का दर्शन करेंगे और फिर ये यात्रा हजूर साहब वापस जाएगी। बाबा नामदेव जी ने जो 750 साल पूर्व जो भाईचारा बढ़ाया पंजाब और महाराष्ट्र का, उसी को आगे ले जाने का काम ये नानक साहिब फाउंडेशन घुमान यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। टोटल 300 श्रद्धालु इस यात्रा में सहभागी हुए हैं, पूरे महाराष्ट्र से आए हुए हैं। पंजाब में हर जगह जगह इस यात्रा का स्वागत होता है। चढ़दी कला टाइम टीवी हो या सभी चैनल्स का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारी यहाँ आने के बाद पूरी पूरी सेवा देते हैं। जी हजूर साहब, तो अज भगत नामदेव जी के जन्म दिहाड़े के संबंध में ट्रेन से यात्रा आई है। असी जथेबंदी वालों अमृतसर च उतरदिया ही जी आए आख्या है ये भगत नामदेव जी के जन्म दिहाड़े के संबंध में यह जिहड़ा अज जथा 248 संगत के रूप में जिहड़े शरीर आए ने, इन्होंने कल नूं भगत नामदेव जी के अस्थान से घुमान नगर में जाके दर्शन करने हैं। लागे लागे अचल साहब बटाले अते नाल परसों इन्होंने सचखंड श्री हरिमंदर साहब के दर्शन करने ने। असी सारे नूं जी आए आखते हाँ धन धन भगत नामदेव जी का जन्म दिहाड़े दियां सारियां संगतां नूं लख लख वधाइयां होंदी। श्रोमणी अकाली दल संयुक्त नूं उस वेले बड़ा झटका लग्या जदों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर ते श्रोमणी अकाली दल के टकसाली जथेदार सरदार महेंद्र सिंह जी हुसैनपुर ते उन्हां दे सपुत्र बरजिंदर सिंह हुसैनपुर वालों अकाली दल संयुक्त नूं अलविदा आख श्रोमणी अकाली दल बादल च वापसी कर लेगी। इस मौके पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी विच शामिल होए इन्हां मैंबरां नूं सिरोपाओ साहिब दे के पार्टी विच शामिल करवाया ते जी आया आख्या।
सिंह साहिब भाई अमरीक सिंह जी अजनाला ते बाबा रेशम सिंह खुकराणा ने पत्रकारां नाल गलबात करदियां मौजूदा पंथक हालातां ते गहरी चिंता दा प्रगटावा करदियां कहा कि अज दे हालातां तों पंथ दर्दी ते विचारवान लोक को निराशा दे आलम चों गुजर रहे ने उस उपर दीर्घ विचार उपरंत अज गुरमत विद्यालय अजनाला विखे पंथक एकता ते पंथ दी चढ़दी कला वास्ते श्री अखंड पाठ साहिब दे भोग पाएगी समुचिया पंथक धिरां धार्मिक ते राजसी जथेबंदियां नूं जोरदार अपील की कि आओ सारे रल मिलके एक सांझा प्लेटफार्म तैयार करिए आने वाली श्रोमणी कमेटी दीआं चोणां एक निशान एक विधान के तहत इकट्ठे होकर लड़िया जाण जिस राही गुरु घरां दा वधिया प्रबंध ते तख्त साहिबाना की मान मर्यादा नूं बहाल किया जा सके। बीबी कौलां जी भलाई केंद्र विखे हफ्तावारी कीर्तन समागम का आयोजन मुख सेवादार भाई साहब भाई गुरिकबाज सिंह जी की देखरेख में किया गया जिस विच भाई गुरिकबाज सिंह भाई हरविंदर पाल सिंह लिटल वीर जी ने कीर्तन करके संगतां नूं निहाल किया। इस मौके गुरदीप सिंह लाला वीर जी रणजीत सिंह गोल्डी गुरपाल सिंह उस्ताद जी के पी सिंह दविंदर पाल सिंह राजू ते होर संगत मौजूद रही। झोने की सीजन नूं देखते हुए जिथे किसानां अंदर खुशी की लहर पाई जा रही है उथे कुछ अनाज मंडिया विच किसान घटिया प्रबंधा कारण खजल खुआर हुंदे दिखाई दे रहे हैं। अजिहा मामला पिंड बल्लो तो सामने आया जिथे किसानां ने दोष लाउंदिया कहा है कि एक शैलर वालों संबंधित अनाज मंडी का झोना अपने शैलर विच नहीं लवाया जा रहा बल्कि दूजे जिले विचों ट्रक भर के झोना लिया जा रहा है क्योंकि झोने कारण अनाज मंडिया भर चुकिया ने पीड़ित किसान मजबूरन वस झोना अनाज मंडिया विच चुके वापस घरां नूं लिजा रहे ने। भारतीय किसान मालवा के सीनियर मीत प्रधान गुरविंदर सिंह ने दस्सिया कि शैलर खिलाफ जिथे रोस प्रदर्शन किया गया उथे मार्कफेड इंस्पैक्टर की अनाज मंडी का घिराओ करके जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। दाना मंडी बल्लो दाना मंडी के जिहड़ी लोडिंग की समस्या है इत्थे जिहड़ा इंस्पैक्टर वल्लों माल लाया जांदा उहदी मुड़ के जिहड़ी लोडिंग नहीं हुंदी आड़तियां वल्लों तोल ला के भी रखता उहनूं आ तुसीं गट्टियां दीआं तंगां इत्थे देखी हैं किहड़े लोड लगियां पईआं इह जिहड़ी सानूं लोडिंग की वड्डी समस्या आ रही है जिहड़ियां दूजियां ढेरियां साडियां मगरों आईआं गईआं उह ढेरियां नूं जगह ही नहीं खड़ाउण नूं इत्थे तां उह जिहड़ा सुक सके जिहड़ा मॉइस्चर आ इहदा उह थोड़ा घणा जिहड़ा टैंपरेली मॉइस्चर आ वह थोड़ा कहना बच जाता गा उस तो ही सैलर वाला कह दिता यार मैं कार्ड दे दो मैं थोड़ा नंघा दाना गा इतों ट्रक भेज दें भरवा के भी जथेबंदी खड़ी है यार तुम ट्रक भरो उत्थे जाके कह दिता भी पांच गट्टे दोगे कि छह गट्टे देवोंगे ये तपा राइस मिल आ जी उसू अलाटमेंट आ मंडी उस सैलर के खुद जोड़ा मालिक हैगा वो वालों सरेआम कार्ड मंगी जाती भी पांच गट्टे छे गट्टे थोड़ा जोड़ा इतों ट्रक हैगा वह लहावे फिर आखिर की कर दिया आड़तियां ने जोड़े तोल ये बंद किए हुए हैं क्योंकि जिमीदार कार्ड दिंदा नहीं आड़ती है कित्थों जेब च दे देना। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इत्थे समाप्त होंदा है नवीं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे तद तक लई दिओ इजाजत धन्नवाद।